दोस्तों चंद्रयान मिशन 4 को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। अपडेट जो है वो चंद्रमा पे पड़े जो हमारा विक्रम लैंडर है उसका ऑर्बिटर के बीच संपर्क से जुड़ा हुआ है। तो क्या कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस मिशन में हमारे वैज्ञानिकों ने काफी अच्छा काम किया है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा जय हिंद, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्या कुछ खबर है हम आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 8 सितंबर को हमारा चंद्रयान मिशन शुरू हो गया था और चांद के जमीन पे हमारा लैंडर उतर ही रहा था कि उससे 2 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर का ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया था। तब से वैज्ञानिक काफी ज्यादा कोशिश कर रहे और 7 सितंबर से लेकर उनको करीब 14 दिन का वक्त मिला था लैंडर से ऑर्बिटर को संपर्क साधने के लिए। अब काफी ज्यादा समय बीतता जा रहा है और लोगों के ऊपर मन में ये विचार आ रही है कि क्या अब लैंडर विक्रम का संपर्क हो पाएगा कि नहीं। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारी कोशिश भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ भारत की ही स्पेस एजेंसी इसरो नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी इसके पीछे लगी हुई, जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी गोल्ड स्टार। अब इस मामले में भारत की जो एक और नई रिसर्च एजेंसी है जिनका जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बार्क की, भामा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, उन्होंने भी एक ऐसा एंटीना बनाया है जो कि लैंडर विक्रम का संपर्क बहुत ही जल्द ऑर्बिटर के साथ कर लेगा। आपको बता दूं कि यह एंटीना है जिसका साइज टेनिस कोर्ट से भी 5 गुना बड़ा है। टेनिस कोर्ट वही जिसमें आप टेनिस जो होता है बैडमिंटन का आकार का खेला जाता है, तो उस साइज से भी बड़ा उन्होंने एक एंटीना बनाया है जो कि लैंडर विक्रम को मैसेज भेजेगा और वहां से पूरी साइंटिस्ट को उम्मीद है कि रिप्लाई आएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंद्र कुमार।